हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। और आज हम घर पे एब्स का वर्कआउट करेंगे। मैं आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा, तो मुश्किल से 4-5 एक्सरसाइज होंगी। और तो वीडियो एंजॉय करिए और वीडियो ख़त्म होने के बाद फिर बात करते हैं। और आपको मतलब फिर मैं वर्कआउट के बाद जो कंडीशन होती है मेरी एब्स की वो दिखाता हूँ। और ये एक्सरसाइज आपकी बहुत हेल्प करेंगी एब्स के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज होगी एप्स की वो होगी क्रंचेस। क्रंचेस किस तरीके से लगेंगे और कैसे, वो जब मैं वीडियो प्रैक्टिकली करूंगा तो आप लोग समझ जाओगे। तो सेकेंड एक्सरसाइज है लेग रेजेस। जैसे भी है लेग रेजेस में कुछ नहीं, जैसे सिंपल लेट कर आपको अपनी टांगे ऊपर ले जानी है, मगर टांगे एकदम सीधी रहनी चाहिए। और कैसे होएगा या मैं आपको करके बताता हूँ। ये जो एक्सरसाइज मैं अब करने जा रहा हूँ ये बेसिकली ऑब्लिक्स के लिए होती है। इसमें आपको मतलब एक साइड से 20-25 रैप्स लगाने और दूसरी साइड से 20-25 रैप्स लगाने, तब आपका एक सेट पूरा होगा। तो दिखाता हूँ करके। तो अब हम क्रंचेज ही करने वाले हैं, मगर इन क्रंचेज में हमारी अपर बॉडी ज़्यादा ऊपर जाएगी। किस तरीके से होएगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। We'll be right back.
ये जो मतलब लास्ट एक्सरसाइज है एप्स की, इसमें आपको मतलब घर पे आप टेबल, बेड, सोफा यूज़ कर सकते हो। कुछ नहीं, आपको एकदम कोने पर बैठना है और उसके बाद में इस एक्सरसाइज को फॉलो करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। तो गाइस, सबसे लास्ट में अब हम करेंगे प्लैंक। एप्स के वर्कआउट के बाद प्लैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, मेरा मानना है। कोर को मजबूत करने में बहुत हेल्प करता है प्लैंक। तो हम प्लैंक करेंगे अब लास्ट। गाइज, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको अपने कोर की कंडीशन दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई, बहुत तो नहीं मगर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो अपना और खुश रहो और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।